जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है सचिन और कीबोर्ड लेसन की आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो दोस्तों, एक सवाल जो हमसे बार बार पूछा जाता है कि सर आपने कीबोर्ड बजाना कैसे सीखा और हम कीबोर्ड को कैसे सीख सकते हैं, तो हर बार की तरह वही कहूँगा कि हमने कीबोर्ड नहीं सीखा है। और अगर आप कीबोर्ड को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ें चाहिए। पहला, उस गाने की आपके माइंड में टोन होनी चाहिए जिसको भी आप बजाना चाहते हैं, और दूसरा, उसके ऊपर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ये दो चीज़ें ही आपको कीबोर्ड बजाने या फिर सीखने में मदद करेगी। अब कैसे ये चीज़ें होती हैं वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। सो दोस्तों, हर बार की तरह हम अपनी वीडियो में किसी भी तरह की किसी भी स्वर नेम या नोट को नहीं देते हैं। हम खाली आपको यहाँ पर सिर्फ फिंगर प्रैक्टिस ही करवाते हैं जो कि बेसिक में नहीं आती है। बेसिक काफ़ी लोग सिखाते हैं, सीखते हैं, लेकिन हमने खुद बेसिक नहीं पढ़ा है, इसलिए हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करवाते हैं। इसके बावजूद भी हम कीबोर्ड अपने हिसाब से प्ले कर पाते हैं। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि आपके मन में किसी भी एक गाने की टोन है, जब आप उसको बार बार कीज़ के ऊपर प्ले करोगे, अगर आपको वो टोन परफेक्टली आती होगी और आप यहाँ पर कीज़ को गलत स्वर से ले रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये जो स्वर है मैं गलत ले रहा हूँ, यानी ये मेरी टोन थोड़ी सी गलत हो रही है, तो आप उसकी आगे पीछे वाली कीज़ को लेकर अपनी टोन को सही कर सकते हैं। और जब आप किसी भी एक गाने की पहली एक दो लाइन को सही तरीके से पकड़ लेते हैं, जैसे परदेसी हमारा सॉन्ग था, ये जीता था जिसके लिए, आप मान लीजिए जीता था जिसके लिए, अब मैंने अपने हिसाब से ये टोन पकड़ ली क्योंकि मुझे एकदम से आ गई। अब इसी चीज़ को अगर मैं नॉर्मली स्टार्टिंग से ले रहा हूँ किसी और की से, दोस्तों होता है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो गलत प्ले नहीं होता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए जस्ट ये देखिए, यहाँ पर जीता था जिसके लिए मैंने गलत लिया, जीता था जिसके लिए, अब लिए यहाँ पर मैंने गलत लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी कीज को चेंज कर देंगे क्योंकि मेरी यहाँ पर चार कीज सही चल रही है, जीता था जिसके ली, ली, ये, लिए, लिए। अब देखिए यहां से कैसे पकड़ेंगे, जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए जीता था जिसके लिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने चार कीज को पकड़ा लेकिन स्वर नहीं बना, और जैसे मैंने पांचवी कीज को यहाँ से पकड़ा तो काफी ज्यादा जो मेरा गाना है परफेक्टली बजा, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए, जीता था। ये देखिए, जब मैं माइंड में गुनगुना रहा हूँ तो जैसे मेरा गलत प्ले हो रहा है, मुझे एकदम से ध्यान आ रहा है कि यार मेरा गलत प्ले हो रहा है, तो उस जगह मैं दूसरी चीज को पकड़ ले रहा हूँ, और जैसे मेरी चीज को पकड़ ले रहा हूँ उस समय मेरा जो स्वर है प्रॉपर तरीके से आ जा रहा है। एक ऐसी, ये देखिए अब यहां पर नहीं आ रहा था, तो यहां पर आ रहा है, आपको जस्ट एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। ऐसा नहीं है कि ये गाना नहीं मैं बजा सकता, लेकिन आपको जस्ट दिखाने के लिए कि फर्स्ट टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ इस तरीके से ही लगता है, क्योंकि उसमें आपको स्वर का पता नहीं होता कि कहाँ से कौन सा गाना पकड़ना है, कहाँ से कौन सा स्वर पकड़ना है। जैसे हमने अलग
किसी भी की से अभी इस गाने को प्ले किया, मुझे बीच बीच में कुछ स्वर गलत लगे तो मैंने दूसरी चीज़ को पकड़ा। इस तरीके से एक एक चीज़ को हमने पकड़ा और हमारा ये गाना बन गया। अब हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ये भी नहीं पता लगे कि हम आगे जाना चाहते हैं पीछे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सिस्टम याद रखना है कि अगर आपके पास स्वर भारी जा रहा है तो आप बैक को आएंगे, अगर आपका स्वर हाई जा रहा है तो आप आगे को जाएंगे। अब जीता जीता, अब जी जो शब्द आ रहा है वो हाई में जा रहा है और ता जो शब्द आ रहा है वो लो में जा रहा है। जीता था, अब था भी भारी में जा रहा है तो हम बैक को आएंगे। जिसके लिए जिसके लिए, अब जिसके भी नीचे आया और लिए हमारा फिर से हाई चला गया। जिसके लिए था, अब ये भी लो में जा रहा है तो उस हिसाब से हमारा स्वर भी जाएगा। हाई में जा रहा तो आगे जाना है, अगर लो में जा रहा तो पीछे जाना है। ये चीज़ आप गुनगुनाएंगे तो साथ साथ में आपको फील भी रहेगा। अब किसी और गाने को देख लेते हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज। अब देखिए यहाँ पर मैं फूलों में सज रहे, अब ये सज रहे में थोड़ी सी मात्रा लगानी है तो उसको कैसे पकड़े, फूलों में सज सज। अब देखिए अब इस की से नहीं पकड़ा तो मैंने इस की से पकड़ लिया, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं। सीरी सीरी वृंदावन विहारी, फूलों में सज रहे हैं। ना 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 ना। अब हाई में जा रहा है, अब देखिए इस वर्ष नहीं आया तो इस वर्ष से पकड़ लिया। आपको लगे कि हल्का सा मेरा कीज गलत जा रहा है, आप उसके आगे या पीछे वाले किसी भी कीज को पकड़ लीजिए। जहां पर आपको लग रहा है हाँ ये कीज स्वर सही चल रहा है तो आप रिपीट बाय रिपीट उसको रिपीट कीजिए। तो इस तरीके से आपकी एक गाने की प्रैक्टिस बनती है, एक गाने का पहला जो स्टेप होता है वो प्रॉपर क्लियर होता है। और इस तरीके से आप धीरे धीरे सभी गाने की प्रैक्टिस को कीजिए। हमने स्टार्टिंग में एक छोटी सी सरगम को प्ले किया था, इस तरीके से जैसे हमने ये अभी प्ले किया, मुझे खुद नहीं पता है कि मैंने क्या बजाया लेकिन फिर भी हमने बजा दिया। ये बेसिकली चलता है एक धुन के ऊपर जो कि हम गुनगुना सकते हैं, जैसे तो इस तरीके से आप अगर आप किसी भी एक धुन को गुनगुनाते हैं तो आप उसको कीज के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। और धीरे धीरे जब आप ऐसी प्रैक्टिस से करेंगे तो नेचुरली आपका हाथ चलने लगेगा और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप किसी भी गाने को सुनते हैं तो वो बजा भी पाएंगे। तो दोस्तों इन धुनों को अब इस धुन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आपकी उंगलियां काफी ज्यादा खुलती हैं। तो इस चीज को यानी इन कीज की प्रैक्टिस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वाली जो प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी सभी उंगली को फ्री खोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी इस कीज का यूज़ भी हो रहा है जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते।
सो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।